प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा करीबन 4 करोड़ रुपए खर्च करके हांडाकुंडी में कैटल सेंचुरी का निर्माण किया गया है। हालांकि सरकार के दावे हैं कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र को आवारा पशुओं से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन सरकारी दावों की पोल बद्दी मार्ग, पंजहरा मार्ग व नालागढ़ के रोपड़ मार्ग पर जगह जगह आवारा पशु सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जो कि इस सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं, जो कि लोगों ने प्रशासन और सरकार पर भी सवालिया निशान उठाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा करोड़ों खर्च करके हांडाकुंडी में कैटल सेंचुरी का निर्माण करवाया, लेकिन पूरे औद्योगिक क्षेत्र में आवारा पशु पहले की ही तरह सड़कों पर घूमते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसों के होने का खतरा बना हुआ है। मैं तो यही कहता हूं कि जितने भी हिंदू संगठन है, चाहे शिवसेना है, चाहे हिंदू संगठन है, कोई भी संगठन है, राजनीति की बातें जब इलेक्शन आते हैं तो गौं के ऊपर राजनीति होती है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, लेकिन गौएं जो देखी जाती है तो रोडों के ऊपर ये देखी जाती है। बरोटीवाला, बद्दी और नालागढ़ के अंदर तो इतना बुरा हाल है कि आपको चलना मुश्किल है, और छोटे हमारे स्कूल जाते हैं बच्चे या कोई बाहर से भी कोई बाइक पे आ रहे हैं, कोई गाड़ी पे, तो रोड पे वो जाम लगा के खड़े होते हैं। हम तो यही चाहते हैं इनको कि जितने भी ये संगठन बने हैं, प्लीज इन पशुओं को कहीं ऐसी गौशाला में ले जाए जहां बड़ी बड़ी गौशाला बनाई है, और कहीं भी जाओ आप दुकान में, इन्होंने छोटे छोटे जो गले लगाए हुए हैं गौ माता के नाम पे, वो पैसा जाता कहाँ है? टैक्स ठेके से शराब का टैक्स जाता है, हर आदमी के कार्ड से टैक्स जाता है, सरकार उस पैसे को डालती कहाँ है? क्या उसके लिए कोई नया बजट तैयार नहीं कर सकती? दिन प्रतिदिन ये चीजें दिखाई दे रही है कि आवारा जो पशु है, हमारी गौ माता है, ये रोडों के ऊपर हर रोज आवारा घूमती है और कोई ना कोई घटना को अंजाम देती है, चाहे वो घटना स्कूल की बसों से रिलेटेड है या कोई बाइक से रिलेटेड है या कोई कार एक्सीडेंट है। जब वो बीच में आ जाती है तो कोई ना कोई बड़ी घटना हो जाती है जिससे आए दिन किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये बड़ी ही दुखदायी घटनाएं हैं। तो मेरा ये कहना है स्थानीय लोगों से या सरकार से कि देखो, बहुत बहुत सारी इन्वेस्टमेंट गऊ माताओं को रखने के लिए सरकार द्वारा की गई है, लेकिन वो मुझे लगता है एक दिखावा ही है। क्यों? क्योंकि आज भी वो जो वो सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी ये जो गौएं हैं क्यों आवारा घूम रही है, ये बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी है और उन जो इतने ऐसे संगठन जो बने हुए हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्योंकि जब भी यानी कि इलेक्शन का दौर होता है या कोई ऐसी वोटिंग का टाइम आता है, तब तो ये जो क्या बोलते हैं दल है जो यानी कि एकदम से उसमें एक्शन में आते हैं, लेकिन जब ये टाइम बीत जाता है उसके बाद इन गौओं का, इन पशुओं का कोई ध्यान नहीं।